ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले 11 अक्टूबर सोमवार आज के धनु राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। तो आज पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा और साथ ही पारिवारिक उलझनें भी समाप्त होंगी। लेखन और अध्ययन के कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। व्यापार में लाभ मध्यम रहेगा और दिन व्यस्तता भरा रहेगा, और साथ ही आज कुछ मामलों में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा भी सकता है। किसी पारिवारिक काम में मेहनत करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज किसी से भी बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और आज परिवार वालों की सेहत अच्छी बनी रहेगी। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें कहीं बाहर ना निकलने दें। अपने खान पान का ख्याल रखें, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। आज आपका मनोबल कुछ बढ़ेगा और आपके द्वारा लिए गए अचानक फैसले से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही किसी मित्र से मुलाकात होने की संभावना है और आने वाले समय में आपको कई तरह के लाभ भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। दोस्तों, बिना बात किसी से ना उलझें। अपने क्रोध और आवेश पर काबू रखना अति आवश्यक है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परंतु यह आपका भ्रम भी हो सकता है। धैर्य और विवेक रखने से परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय और कैरियर कैसा रहेगा। काम में किसी तरह का बदलाव करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। व्यवसाय में आप जिस काम को कठिन और जटिल समझकर छोड़ रहे थे, उसमें भारी लाभ होने की भी संभावना है, इसलिए आत्मविश्वास और हिम्मत बनाए रखें। पिछले कुछ समय से चल रही चिंताओं से राहत मिलेगी। व्यवसाय स्थल या कार्य में कुछ लाभ के योग रहेंगे। आज धन की कमी नहीं रहेगी। पैसों के आगमन से आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किसी नए व्यवसाय या कार्य से धन लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। दिनचर्या पहले जैसी ही चलती रहेगी। अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पत्नी और पति में यदा कदा छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और उसने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाकर रखेगा। ऐसे रिश्ते जो अलग से हैं, उनसे अभी दूर रहें, उन रिश्तों को थोड़ा समय दें। यह समय उचित नहीं होगा उन रिश्तों को उजागर करने का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं मौसम जनित या मौसम के परिवर्तन या ठंडी चीजों के सेवन से उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इनका सेवन ना करें, इन चीजों से दूर रहें। और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप ये उपाय अवश्य करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके समस्त संकट मिट जाएंगे। दोस्तों, आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।